वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल। सीरीज में जब सेलों को जोड़ा जाएगा, आइडेंटिकल सेलों को जोड़ा जाएगा, तब हम मैक्सिमम करंट को कब ड्रा कर सकते हैं, और जब पैरेलल में हम सेलों को जोड़ते हैं, आइडेंटिकल सेलों को जोड़ते हैं, तब मैक्सिमम करंट किस तरह से ड्रा की जा सकती है, इस चीज़ को आज हम सीखने चल रहे हैं। तो देखते हैं, यन आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में जोड़ी गई हैं, सभी के EMF E हैं, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस R हैं। इनको जोड़ा गया है एक बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कैपिटल R, लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ I क्या हो जाएगा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कई बार एन बार, यानी कि आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स हो जाएगा, तो एन आर हो जाएगा, और दिस एन आर विल बी एडेड विद दिस कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। ओके, करंट को मैक्सिमम करना है, इसके लिए इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा। अब यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन एन आर यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तब आर प्लस एन आर की वैल्यू कैपिटल आर के लगभग हो जाएगी, और तब आई हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन कैपिटल आर, एन आर को नेग्लेजिबल कर दिया गया है कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। तब ई अपॉन आर क्या हो जाएगा, ई एक सेल का EMF है, कैपिटल आर हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है, तो ई बाई आर एक सेल से ड्रा की गई करंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एन आ गया, यहाँ करंट ड्रान फ्रॉम सिंगल सेल, यानी कि एक सेल जितनी करंट ड्रा कर सकती है उसका एन गुना करंट हमें यहाँ पर मिल रही है। यानी कि ऐसी कंडीशन में अगर हमने एन की संख्या 10 रखी तो एक सेल की 10 गुना करंट मिल गई, एन की वैल्यू 50 रखी तो एक सेल की 50 गुना करंट मिल गई, यानी कि यहाँ पर करंट का अमाउंट सेलों की संख्या बढ़ने पर बढ़ रहा है। यानी कि ऐसी कंडीशन में यह कम्बिनेशन बेनिफिशियल है। कब बेनिफिशियल है, जब कैपिटल आर बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो क्वेश्चन आता है सीरीज कम्बिनेशन सेल का कब बेनिफिशियल है, तो तब बेनिफिशियल है जब लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर मच ग्रेटर देन है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से। ठीक, अगला केस इसका उल्टा देखते हैं कि अभी यहाँ आर बड़ा किया था एन आर से, अब यहाँ आर को छोटा कर देते हैं एन आर से, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लेस देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आर प्लस एन आर की वैल्यू लगभग एन आर के बराबर हो जाएगी, और तब आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, यानी कि एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा ई अपॉन आर। तो ई क्या है, EMF है, आर क्या है, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एक सेल का। अब ये करंट ड्रान फ्रॉम सिंगल सेल, यानी कि यहाँ हमने एन सेल लगाई हुई हैं, एन 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमको करंट मिल रही है वो सिंगल सेल की मिल रही है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि हम कई सेलों को जोड़ें और करंट एक सेल की मिले, नहीं। यानी कि कई सेलों को जोड़ने के बावजूद यहाँ पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एक ही सेल की करंट हमें आउटपुट पर मिल रही है, यानी कि इस कंडीशन में हमें यह कम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सीरीज कम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, कब यूजफुल है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मच ग्रेटर देन हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, और कब यूजफुल नहीं है, जब कैपिटल आर बहुत छोटा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, इसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, पैरेलल में जोड़े गए हैं, और इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इनके टर्मिनल्स को जोड़ा गया है, यानी कि ये सारी करंट निकल कर इस करंट टोटल करंट बना रहे हैं, टोटल करंट है आई। अब आई क्या हो जाएगा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ नेट EMF जो हो जाएगा, चूँकि पैरेलल में जुड़े हैं तो इसमें पावर बढ़ जाती है, लेकिन सेलों का EMF चूँकि बराबर है, टर्मिनल के एंड बराबर हैं, यहाँ पे EMF जुड़ता नहीं है। टोटल EMF भी यहाँ पर कैपिटल E होगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है, आर 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 कई बार एन बार, तो आर नेट क्या हो जाएगा, वन अपान आर नेट इक्वल टू वन अपान आर प्लस वन अपान आर प्लस वन अपान आर, कितनी बार, एन बार, तो ये हो जाएगा एन बाई आर।
तो यहाँ से 1/r net इक्वल टू n बाई आर, तो r net हो जाएगा r बाई n। यानी कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह जुड़ रहा है, और यहाँ पर r net n r बाई n हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज बनाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा r बाई n प्लस कैपिटल R। ठीक, जहाँ r बाई n क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स एन सेल्स। ठीक, चलिए अब केस फर्स्ट, यहाँ पे फिर वही काम जो पीछे किया था, यहाँ भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल में एक को बड़ा रखेंगे एक को छोटा। तो चलते हैं, यहाँ भी लोड रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, आर बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में। ठीक, यानी कि आर पाई एन प्लस कैपिटल आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान कैपिटल आर। तो तुम जान रहे हो कि ये करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल की करंट अगर ये मिल रही है जबकि करंट हमने सेलें जोड़ी हैं कई, तो क्या ये बेनिफिशियल है, तो फिर आंसर है नो। अगर हम 10 सेल जोड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि करंट का अमाउंट सेलों की संख्या बढ़ने पर बढ़े, लेकिन यहाँ पर सेलें कई हैं या न हैं और करंट मिल रही है एक की, तो हमने सीधे लिख दिया दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल इन दिस कंडीशन। वाई, बिकॉज वी आर गेटिंग द करंट ऑफ ए सिंगल सेल आफ्टर कनेक्टिंग टू मेनी सेल्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर केस सेकंड देखते हैं, आर अगर लेस देन है आर बाई एन से, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आर प्लस आर बाई एन इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एन, और आर बाई एन यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो ये एन पहुँच जाएगा ऊपर, तो एन इंटू ई बाई आर हो जाएगा, तो एन इंटू करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल की करंट का कितना गुना मिलने लगा, एन गुना। तो हम चाहते भी तो यही हैं, हम चाहते क्या हैं कि अगर हम ज़्यादा सेलें जोड़ें तो ज़्यादा करंट मिले, लेकिन ज़्यादा सेलों को पैरेलल में जोड़ने पर ज़्यादा करंट एन टाइम्स करंट कब मिल रही है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सेलों का एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा है तब। ठीक, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एन गुना करंट मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल है, बेनिफिशियल है, कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक्सटर्नल ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल से, तब इसमें करंट अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और पैरेलल में तब करंट ज़्यादा मिलेगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तब। तो एक्सटर्नल ज़्यादा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन फ़ायदेमंद, और इंटरनल ज़्यादा है बहुत तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फ़ायदेमंद। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग इस तरह से देख लिए, आगे के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी कमेंट में आप बताएंगे वो वीडियो आगे फिर बन जाएगा।